हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, स्टैटिस्टिक्स। आज हम स्टैट्स में मीडियन फाइंड करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली मीडियन फाइंड करेंगे और सेकंड में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बोर्ड्स में आता है, काफी यूजफुल है। सबसे पहले हमें मीडियन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली मीडियन क्या होता है? ये हमारा ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ग्रुपिंग है, इंटरवल दिया हुआ है 65 to 85। 2020 की ग्रुपिंग हमको दी गई है, यहां पर ग्रुपिंग 10 की दी गई है, 0 to 10, 10 to 20। लेकिन अगर ये डिस्क्रीट डाटा होता जहां पर सिंपल वैल्यूज होती, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, हमको सभी ऑब्जर्वेशन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना होता था और जो बिल्कुल मिडिल वैल्यू आती थी हम उसको बोलते थे मीडियन। लेकिन अगर हमारे पास इवन डिजिट्स होती थी, इवन ऑब्जर्वेशंस होती थी, तो बीच की दोनों मिडिल ऑब्जर्वेशन का मीन हम फाइंड करते थे और उसको हम बोलते थे मीडियन। वो क्लास 9th में था। क्लास 10th में मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ बाय में F और ऊपर इंटू में H। ये हमारा फार्मूला होगा। इन सभी की एक्सप्लेनेशन अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको फाइंड करनी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो क्या होती है? मंथली कंजम्पशन मान लीजिए 65 to 85 है और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी F4 है, तो हमको सबसे पहले यहां पर ये वाली फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली लिखनी होती है 4। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बिलो 85, सेकंड के लिए बिलो 105 तक इस 4 में हमको ये 5 ऐड करना होता है। मैं एरोज बना रहा हूं, आप अपने लिए भी बना सकते हैं। 4 + 5 = 9। अब ये 9 इधर ऐड होगा, ऑब्जर्वेशन इधर आएगी, 13 + 9 = 22 + 20 = 42 42 + 14 = 56 + 8 = 64 64 + 4 = 68 Sum of all frequencies, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया हुआ था मीन में, sum of all frequencies will be 68। ये दोनों ऑब्जर्वेशन आपस में इक्वल आती हैं, ये sum of all frequency है, ये भी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी है, तो आप ये काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं दोनों को ऐड करके। जो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज है समेशन Fi, यही हमारा n होता है 68। अब हम क्या करते हैं, इस n का बाय 2 करते हैं। सबसे पहले 68 / 2 जो कि है हमारे पास n/2, दैट विल बी योर 34। अब आप देखते हैं ये 34 कहां पर आएगा। 4 का मतलब 1 to 4, 9 में 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 9, 9 के बाद 10 से लेके 22 तक, 34 अभी नहीं आया है, 22 के बाद 23, 24 से लेके 42 तक हमारा 34 यहां पर आता है, यहां पर इंक्लूड होता है। एक बार दोबारा से बोलते हैं, अप टू 22 यहां पर, 22 के बाद 23, 24, 25, 26 ये वाले जो नंबर्स हैं वो इधर आए, ये वाली फ्रीक्वेंसीज की काउंट यहां पर आई, 34 इधर आया, तो हमारी ये वाली क्लास कहलाती है मीडियन क्लास। हमको सिर्फ ये मीडियन क्लास पहचाननी आनी चाहिए, क्वेश्चन बेहद इजी रहेगा। जैसे हमने मीडियन क्लास पहचानी, उस क्लास में आने वाली फ्रीक्वेंसी कहलाती है F, और उससे प्रीवियस क्लास में जो फ्रीक्वेंसी लिखी होती है वो फ्रीक्वेंसी हमारी कहलाती है CF। ये वाली फ्रीक्वेंसी जो यहां पर लिखी है क्यूमुलेटिव वाली, इसको बोलते हैं CF। ये वाली ऑब्जर्वेशंस करस्पॉन्डिंगली हम यहां पर सारी की सारी लिख देंगे, n/2 34, CF इज इक्वल टू 22, F इज इक्वल टू 20, H दोनों का गैप, H इज इक्वल टू 145 - 125 = 20। L आपके पास आ गया, L लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 125, ये आपका कहलाता है L।
तो देखिए एल आपके पास आ गया 125, एल आ गया एन बाय टू आ गया, सी एफ आ गया, एच आ गया, एफ आ गया. नाउ यू कैन इजीली फाइंड मीडियन. मीडियन इज इक्वल टू एल 125 प्लस एन बाय टू 68/2 = 34 माइनस सी एफ 22 इंटू एच दोनों का गैप 20 अपॉन आपको चाहिए एफ एफ 20. क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया, 20 से 20 डायरेक्टली कैंसिल हो गया. 125 प्लस 34 में से 22 माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 12, दैट इज 137 विल बी योर आंसर. ये आपकी कहलाएगी मीडियन. आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं. यहां पर हमको सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी प्रोवाइडेड है जो कि 60 है, और आपको यहां पर मीडियन भी पहले से गिवन है जो कि 28.5 है. अब 28.5 फॉल कहां करता है? इधर. तो हमारी ये वाली क्लास होगी मीडियन क्लास, हमको पहले से पता चल जाता है देखकर. अभी आगे प्रोसीड करते हैं फिर देखते हैं. पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 5 में ये ऐड करना है 5 प्लस एक्स लिख दी. 5 प्लस एक्स में 20 ऐड करेंगे 25 प्लस एक्स, फिर ये ऐड करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को तो हमको मिलता है 25 प्लस 15 40 प्लस एक्स. 40 प्लस एक्स में हम वाई ऐड करेंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई. अब आप 5 ऐड करेंगे तो आपको मिलता है 45 प्लस एक्स प्लस वाई. अल्टीमेटली हमने क्या सीखा लास्ट क्वेश्चन में? ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि ये सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज है, ये भी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज है. तो पहली कंडीशन आपको मिलती है 60 इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई, दैट इज यू गॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45 15. तो आपको ये पहली इक्वेशन मिल जाती है जो कि आगे हमारे लिए यूजफुल होगी. अभी मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है, अभी मैंने केवल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज को यूज करके ये सब कुछ फाइंड किया है. आगे देखते हैं एन हमारे पास कितना है 60, तो हमारे पास एन बाय टू कितना होगा 60 बाय टू इज इक्वल टू 30. 30 कहां फॉल करेगा? 25 प्लस एक्स, यहां 40 प्लस एक्स है तो 40 प्लस में तो 30 आने का मतलब ही नहीं है. 25 प्लस एक्स में 25 से आगे प्रोसीड कर रहे हैं मतलब 30 यहां फॉल करेगा. वैसे भी हमको पता चल चुका है कि यही पर है, तो ये वाली क्लास मेरी कहलाती है मीडियन क्लास. मीडियन क्लास का मतलब एल इज इक्वल टू आपको मिल जाता है 20. ये वाली चीज एफ फ्रीक्वेंसी इन द सेम क्लास, एफ आपको मिल जाता है 20, सी एफ आपको मिल जाता है इससे प्रीसीडिंग क्लास में, यानी कि आप लिखेंगे सी एफ इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स. आपको सभी कुछ मिल चुका है, आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है. अब आप फाइंड करेंगे मीडियन के लिए. मैं यहां पर एक लाइन लगा देता हूं ताकि कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन हमें ना हो, मिक्सअप ना हो. मीडियन एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ इंटू एच बाय में एफ. एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ इंटू एच बाय में एफ. मीडियन आपको गिवन है 28.5 इज इक्वल टू, एल आपको गिवन है जो कि है आपके पास 20. ये अपॉन का साइन सिर्फ यहां तक है, आगे नहीं है. एल प्लस एन बाय टू सिर्फ इस डिजिट के लिए बाय एफ है, इसका ध्यान रखिएगा. 20 प्लस एन बाय टू, एन आपके पास 60 था तो वो बन गया 30 माइनस सी एफ. सी एफ आपके पास है 5 प्लस एक्स. मैंने ये बार लगा दी, बार लगाने का मतलब क्या होता है? स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट अपॉन में आ गया एफ. एफ आपका कितना है 20 इंटू एच. एच कितना है आपका? दोनों का गैप. एच आपके पास था 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10. तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है. यहां पर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूं, यहां पर इंटू 10.
तो आपके पास मिल जाता है 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। अब देखिए मिस्टेक क्या होगी, हम लोग 30 में से माइनस 5 डायरेक्ट कर देंगे और कभी कभी कुछ बच्चे प्लस माइनस माइनस एक्स को माइनस करना भूल जाते हैं, वो प्लस छोड़ देते हैं, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस पॉइंट पर मैं छोटा सा स्टार बना देता हूं, स्पेसिफिकली आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अपॉन 20 मैंने बोला ना, ये अपॉन सिर्फ एल प्लस इसके नीचे है एफ, यहां ये पूरा नहीं होता। एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ इंटू एच बाय में एफ इंटू एच आपके पास था 10, 10 टू द 20, 28.5 में से 20 गए, आपके पास बच जाता है 8.5 इंटू 2, आप 2 को इधर भेज दीजिए, आपके पास बचा 30 में से 5 गए 25 माइनस एक्स, 8 टू 16, 0.5 का डबल 1, 16 और 1 17, तो आपको यहां से मिलता है एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 17, एक्स इज इक्वल टू 8, ये वैल्यू आपको मिल गई है, आपकी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ चुकी है एक्स इज इक्वल टू 8, और आपके पास था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यूज इन 1, आपके पास था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो आप लिखेंगे 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, तो आपको मिल गया x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, थैंक यू।